नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में धूम मचाने के लिए आ गई है टाटा की नेक्सन। 6 लाख से कम कीमत रखकर टाटा ने पहले से ही बेहद कॉम्पिटिटिव इस सेगमेंट में कॉम्पिटिशन को कई गुना बढ़ा दिया है। नेक्सन में शानदार लुक्स के साथ साथ शानदार फीचर्स भी हैं, यानी हर वो बात जो खरीदार को लुभा सके। तो कितनी दमदार है टाटा की नेक्सन, क्या नेक्सन बाजार में अपने लिए जगह बना पाएगी जहां पहले ही बहुत सारी गाड़ियां हैं, और अगर आप ऐसी ही कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो क्या नेक्सन ही आपकी पहली पसंद होनी चाहिए, इस पर कंज्यूमर अड्डा में आज होगी खास चर्चा। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के प्रेसिडेंट मयंक पारिक साहब, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट टूटू धवन साहब जिनको आप अक्सर सुनते हैं हमारे यहाँ पर ओवरड्राइव में, और ओवरड्राइव मैगजीन के एडिटर बर्टिन डिसूजा, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मयंक पारिक साहब से बात कर ले। पारिक साहब, गाड़ी आपने लॉन्च दिखा दी थी दुनिया को पहले ही, आज उसकी कीमत जो आपने बता दी है उससे खलबली मचेगी, 6 लाख के अंदर शुरुआत इसकी हो रही है, लेकिन और बहुत सारी बातें हैं आपकी इस गाड़ी में कीमत के अलावा भी, तो क्या टॉप 3-4 चीजें हैं जो आप मानते हैं जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगी लोगों को? आई थिंक इसके जो मेन खास बात स्टार्ट करते हैं, लेट्स से आउटसाइड इसकी डिजाइन एक बहुत डिस्टिंक्ट डिजाइन है। अगर आप इसको 100 मीटर से भी देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि वो नेक्सॉन है। फर्स्ट इसकी क्वालिटी, दूसरी इसकी प्राइस, जिसकी इसकी मेन थिंग है कि ये बहुत पावरफुल कार है। इसमें हमने 2 कम्प्लीटली न्यू इंजन दिए, एक गैसोलिन इंजन है उसमें 170 न्यूटन मीटर है, एक डीजल है 260 न्यूटन मीटर, बहुत पावरफुल कार है। थर्ड, अगर आपने पूछा तो सेफ्टी के बारे में बताता हूँ। इसमें अगर इवन एंट्री लेवल वेरिएंट, जिसमें अधिकतर लोग सेफ्टी के बारे में इतना ध्यान नहीं रखते, इसके एंट्री लेवल वेरिएंट में भी ड्यूअल एयरबैग्स हैं और ABS है। तो तीन आपने कहा, तीन मैंने बता दिया। जी जी जी, नहीं बढ़िया चीज़ें हैं तीनों ही, और सेफ्टी का तो खास ध्यान होना चाहिए। तो बटन, जैसा मयंक पारिक साहब कह रहे हैं कि दूर से देख के समझ में आ जाएगा कि ये नेक्सन है और गाड़ी में ज़बरदस्त अपील है, तो क्या ये अपील ही लोगों को खींच लाएगी शोरूम तक? बिल्कुल, आई थिंक जो स्टाइलिंग है इसकी काफ़ी अपीलिंग है, वैसे बहुत ही अटेंशन ग्रैबिंग है, हल्की सी थोड़ी सी बिजी है वैसे, बहुत सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स है उसके ऊपर, लेकिन सम ऑफ द कलर्स दैट यू सीन एटलीस्ट स्पेशली वो ब्लू रंग की, जो नीली रंग की जो गाड़ी है, जो 2-टोन रूफ के साथ, ये सब एलिमेंट्स जो है वो काफ़ी कस्टमर को भाएगा। वो काफ़ी सारे ऐसे आ जाएंगे शोरूम के अंदर तो आ जाएंगे, उसके बाद तो वो अलग ही कहानी होती है, लेकिन आई थिंक मोस्ट पीपल एक बार जो गाड़ी चलाई है तो टेस्ट ड्राइव ले लेंगे, फिर आई थिंक द ओपिनियंस मे नॉट चेंज, बट दैट्स फॉर अ लेटर पॉइंट। आई थिंक जो स्टाइलिंग है एसेंशियली पहली चीज है, पहली मकाम है जो टाटा मोटर्स ने क्रॉस कर दिया है, क्वाइट अप्रिशिएटेड आल्सो फॉर दैट मैटर। तो हाँ, कस्टमर्स तो जरूर शोरूम के अंदर तो आ जाएंगे। राइट, ट्रू साहब, आपका पहला इंप्रेशन तब जबकि अब कीमत भी निकल कर आ गई है सामने? देखिए, ये मैंने पहले ही फोरकास्ट किया था अभी हाल में ही कि टाटा मोटर्स ने अपनी जो हेक्सा लॉन्च की थी वो भी बड़ी कंपेरेटिवली लॉन्च की थी, और इसको भी मेरा ख्याल था कि ये ऐसे ही कंपेरेटिव उसमें बजट में लॉन्च करेंगे और वही इनकी एक USP होगी। ऑफ कोर्स जो इनकी नई जनरेशन की गाड़ियाँ सारी ही आई वुड से आर वर्ल्ड क्लास एंड द टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज एंड दे हैव अपग्रेडेड फिनोमिनली वेल, बट द ओनली थिंग इज कि जो इनकी एक बैगेज कैरी करते हैं टाटा मोटर्स वो थोड़ा सा कम हो जाए तो आई एम श्योर दिस कार इज गोइंग टू बी अ हिट। चलिए, तो यहाँ पर टूडू साहब भी इसको कह रहे हैं कि ये हिट कार होगी। अब थोड़ी सी कार के बारे में बात कर ले बटन साहब, जो अभी मयंक पारिक साहब भी कह रहे थे ताकत बहुत है, हालांकि हम देख रहे हैं वही कन्वेंशनल 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल है, 110 BHP दावा कर रहे हैं, माइलेज 18 किलोमीटर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है तीनों चारों, ये तो हम ऑलमोस्ट इस सेगमेंट की हर गाड़ी में देख रहे हैं, तो वहां तो ये वैसी ही है, कुछ खास फर्क नहीं है इस गाड़ी में। वेल, खास करके फर्क तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसकी जो माइलेज क्लेम हुई है AR और बोलिए ये भी ARAI की फिगर है, वो थोड़ी सी कम है कंपेयर टू द ब्रेजा और एनी अदर प्रोडक्ट इन दैट सेगमेंट एज वेल। लेकिन पावर जो देती है बोथ ऑफ दीज इंजन, पेट्रोल और डीजल जो है, दोनों की पावर रेटिंग जो है वो काफ़ी उमदा है, दे आर हायर देन एनीथिंग एल्स इन द सेगमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। टॉर्क रेटिंग स्पेशली डीजल की जो है वो 260 न्यूटन मीटर्स, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द सेगमेंट। आपने तो टेस्ट ड्राइव भी किया गाड़ी को,
कैसा हाथ जिसे कहते हैं ना चला के क्या कैसा लगा आपको? बिल्कुल ड्राइवेबिलिटी अच्छी है फिलहाल तो, गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, तो ड्राइवेबिलिटी अच्छी है। अर्बन एरिया में चलाओ या हाईवेज पे चला दो, गाड़ी ऐसे काफ़ी अच्छी है चलने के लिए। राइड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही इंप्रेसिव है। इसके अलावा हैंडलिंग जो है, और ज्यादातर लोग इसको ऐसे मतलब एंथुजियास्टिकली या डायनामिक हिसाब से तो देखते नहीं है, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखते हैं, तो दे वोंट रियली पुशिंग द कार। इसके अलावा सेफ्टी सिस्टम्स भी है ऑन बोर्ड। आई थिंक इसकी जो मेजर फैक्टर्स जो है, एक तो उसकी इंटीरियर स्पेस होगी, इट्स अंडर 4 मीटर्स इन लेंथ, लेकिन फिर भी कैबिन की जो स्पेस है काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ है। दैट इज़ द वन बिग स्टेपिंग स्टोन फॉर द टाटा मोटर्स प्रोडक्ट्स। हालांकि पहले भी टाटा मोटर्स की मालूम नहीं कैसे, लेकिन टाटा की गाड़ियों के अंदर स्पेस बहुत होता है। इट्स ऑलवेज वेरी वेरी कॉम्प्लीमेंट्री इन दैट सेंस। आई थिंक दे डन एंड दे कंटिन्यू टू डू दैट फैंटास्टिक जॉब इन द नेक्सॉन। राइट टूडू साहब, तो आपने भी गाड़ी पे हाथ आजमाया होगा, आपको चलाने में कैसी लगी? क्योंकि जो एक जो फील आनी चाहिए गाड़ी को चलाने में, देखिए ये कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला जो सेगमेंट है, यहाँ पे लोगों को दोनों चीज चाहिए। यहाँ पे उनको एक गाड़ी बड़ी भी चाहिए और वो फिर चलाते तो सिटी के अंदर ही है, तो वो जो उसकी मोबिलिटी रहती है, जो टर्निंग रेशियो और तमाम चीजें हैं, उसमें आपको कैसी लगी गाड़ी? देखिए दोनों तीनों चीजें इनकी बहुत बढ़िया हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एक तो गाड़ी की परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, चाहे वो पेट्रोल की हो चाहे डीजल की है। साथ साथ में इंटीरियर जो हैं दे आर रियली वेरी नाइस, दे आर वेरी अट्रैक्टिव एंड स्मार्ट। और जो आउटसाइड की अपीयरेंस है वो तो इन्होंने बहुत ही अच्छी कर दी है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी व्हाट इज गोइंग टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। जैसे बर्ट ने पहले कहा था कि शोरूम तक तो लोग जरूर पहुंच जाएंगे, बट जब कंपैरिजन किया जाएगा तो उस टाइम के ऊपर इसकी असलियत पता लगेगी। और वैसे एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न्ड, आई डोंट हैव एनीथिंग नेगेटिव टू से। राइट तो चलिए मैं पारिक साहब से पूछ लेते हैं। पारिक साहब, मतलब इतनी अच्छी आपकी गाड़ी है, आपने पहले ही झलक दिखा दी थी, एडवांस बुकिंग भी, किस तरह का रिस्पॉन्स आया अभी तक आपके पास? नहीं, हमने लास्ट वीक ही स्टार्ट किए, पहले नहीं की थी, लास्ट वीक ही स्टार्ट किए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, फुटफॉल बहुत अच्छा है और इंक्रीमेंटल जो इंक्वायरीज आर वेरी गुड, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और आज से मैं आप समझते हैं कि शाद में जनरली सेल्स नहीं होती, इसलिए आज हमने लॉन्च किए एंड इनिशियल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। राइट, नवरात्रि शुरू हो गई है आज से, तो अब गाड़ियों के लिए फुटफॉल्स बढ़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हालांकि अभी हाल ही में खोला, बट अब इंटीरियर्स में खासतौर पर बातचीत करना चाहूंगा। आपने भी कहा टूटू साहब ने भी कहा इंटीरियर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वाकई देखने में जब आप, मैंने तो फोटोग्राफ्स ही देखे, अभी गाड़ी को ऐसा जाके नहीं देखा, एक जो लुक आना चाहिए, जो कंप्लीटनेस आती है और जो क्लास दिखती है, आई डोंट नो अबाउट द प्लास्टिक्स, लेकिन जो दिखने में अपीयरेंस है वो वाकई बहुत सुंदर है। हाँ, इसकी जो इंटीरियर अपील जो है वो बिल्कुल, यू नो, इट्स अ वेरी नाइसली स्कल्प्टेड कैबिन, इसकी सीट्स बहुत ही अच्छे हुए, अच्छे निकले हुए, दे लुक गुड, सो द एंटायर कैबिन इन इट्स एंटायरिटी वो काफ़ी अच्छी दिखती है। उसकी जो एलिमेंट्स जो है, अलग अलग लेयर्स जो है, एक डैशबोर्ड का ऊपर लेयर है वो ब्लैक टेक्स्चर्ड फिनिश है प्लास्टिक का, बीच में एक मिरर सा फिनिश, ऐसे स्मूथ यू नो ग्लॉसी काइंड ऑफ लेयर है ग्रे कलर के, सो ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ कोर्स लुक मच लुक वेरी नाइस इन दैट। इसके अलावा इसका एक टच स्क्रीन भी है जो सेंटर बीच में बराबर से लगा हुआ है, वो काफ़ी प्रीमियम लगता है। हालांकि उसके हर एक प्लास्टिक एलिमेंट जो है गाड़ी के अंदर डजंट लुक वेरी प्रीमियम, डजंट फील वेरी प्रीमियम, और ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि लुकिंग एट अ कार एट अ पर्टिकुलर कॉस्ट इज वेल। लेकिन छोटी से जो एलिमेंट्स है, ऐसे इसकी जो सेंटर कॉन्सोल है जहाँ पे सब इसके सारे क्लस्टर है, उसके बटन्स के, कंट्रोल्स के, अलग अलग फीचर्स के लिए, क्लाइमेट कंट्रोल हो या उसका टच स्क्रीन का सिस्टम हो, उसके अलावा इसका जो ये ड्राइविंग मोड का फीचर भी है। वो कहना चाह रहा था क्योंकि अभी इस सेगमेंट में ड्राइविंग मोड, हालांकि वो तो जिस जगह दिया है, वो जो बहुत ही हम एक्सपेंसिव गाड़ियां देखते हैं और वहां पे जो ऑटोमेटेड गियर सिस्टम आता है, बिल्कुल उसकी कॉपी लगता है, लेकिन 3 ड्राइविंग मोड है जो आमतौर पर सेगमेंट में शायद अभी और किसी गाड़ी में नहीं है। और दीज आर सम ऑफ द लेसंस टाटा मोटर्स ने सीखा है अपने सिस्टर कंसर्न से, JLR, जैगुआर लैंड रोवर से, तो इनकी कुछ डिजाइन एलिमेंट्स हैं जो हमें नेक्सॉन में दिखाई देता है, बहुत दोनों एक्सटीरियर और इंटीरियर के हिसाब से। तो टूटू साहब, ये जो 3 ड्राइविंग मोड दे दिए इन्होंने, जैसा मैं कह रहा हूं कि सेगमेंट की दूसरी गाड़ी में ऐसे अलग से मोड नहीं है, तो ये थोड़े से जिसे मैं कहूं कि ऑर्नामेंटल ज्यादा है या वाकई काम आएंगे? नहीं, ये ऑर्नामेंटल नहीं है, ये हमने ट्राई भी किए हैं, टेस्ट भी किए हैं एंड दे आर एक्चुअली फंक्शनल। अब ये सिर्फ जो चलाने वाले क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मोड्स इज ही वांटिंग, डज ही वांट इकोनॉमी और ही वांट्स अ स्पोर्टी मोड।
So, wo actually depends on the person who is going to be driving and on the terrain where this vehicle is going to be used. So, ye actually, jaise Bert ne kaha hai ki inhone, they have taken some features from their Jaguar Land Rover vehicles. In fact, जो इनकी हेक्सा भी जो लॉन्च हुई थी उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें वहीं से लेके आए थे एंड दे आर प्रॉब्ली गोइंग टू बी द फर्स्ट इन द इंडस्ट्री टू बी ऑफरिंग ऑल दोज थिंग्स फॉर द टाइम बीइंग राइट बट सर लेकिन आप गाड़ी क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इससे आप टिपिकल ऑफ रोडिंग कर लीजिए जाके इसको फोर व्हील ड्राइव की तरह यूज कीजिए लेकिन फिर भी अगर शहर की भीड़ भाड़ से बाहर निकल के थोड़े जरा उबड़ खाबड़ रस्तों पर डाल दिया जाए तो कैसा परफॉर्म करती है मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा इसको इसके लिए ऑफ रोडिंग इज समथिंग दैट द नेक्सॉन फिलहाल तो कर नहीं पाएगा लेकिन इसकी जो एक फीचर है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है विच इज आई थिंक क्लास लीडिंग फॉर दिस सेगमेंट उतनी ग्राउंड क्लियरेंस इस सेगमेंट में कोई देता नहीं है वैसे यू सी 210 mm फॉर इंस्टेंस बड़ी प्रीमियम एसयूवीज में वैसे मिल जाती है 210-220 mm तक जाता है लेकिन 209 इज क्वाइट अ रिस्पेक्टेबल नंबर तो एसेंशियली व्हाट यू विल गेट इज द एबिलिटी टू क्लियर बिगर स्पीड ब्रेकर्स लेकिन उससे ज्यादा जो ऑफ रोड जाने की जो ये एबिलिटीज होती है इसमें नहीं है टाटा मोटर्स उतने तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे लेकिन और छोटे मोटे ट्रेल्स भी वैसे मैं ये नहीं रिस्क करूंगा कि यू नो मैं बारिश के मौसम में जब यू नो द रोड्स आर वेट नॉट वेट बट द ऑफ रोड सेक्शंस ट्रैक्स आर वेट आप अगर आपके फार्म हाउस पे जा रहे हो और रास्ता थोड़ा सा खराब है पानी है पडल्स और मकी सेक्शंस उसमें भी मैं गाड़ी लेके नहीं जाऊंगा फिलहाल दो चीज है एक तो ऑफ रोड की एबिलिटीज तो है नहीं 4x4 है नहीं इसमें दूसरी इसकी जो टायर्स है वो ज्यादातर रोड बायस है फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से बना हुआ है तो यू कांट रियली टेक इट ऑफ रोड दैट वे तो इन दो वजहों से यू कैन नॉट रियली डू टू मच विद दैट व्हीकल बट एंड टाटा मोटर्स आल्सो उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि आगे जाके भी इसका 4x4 ऑप्शन कभी होगा नहीं हालांकि इसकी एक और ऑप्शन होगी वो है ऑटोमेटेड इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें फिलहाल कोई ऑटोमेटिक वर्जन नहीं लेके आया फिलहाल तो ऑटोमेटिक वर्जन है नहीं वो ऑटोमेटिक वर्जन आ जाएगा आगे जाके आई थिंक अनदर 3-4 months they will offer the AMT और उससे कन्वीनियंस बढ़ जाएगी राइट विच विल मेक इट मोर सिटी सेंट्रिक देन एनीथिंग एल्स राइट राइट और एक डुअल टोन क्योंकि टूटू साहब अब ये तो बिल्कुल एक चलन बन गया जो भी इस सेगमेंट की गाड़ी आ रही है अगर पहले से नहीं था तो डाल रहे हैं और नहीं आ रही तो लेकर आ रहे हैं डुअल टोन वाली गाड़ी है काफी अट्रैक्ट करती है कंज्यूमर्स को आप क्या कहेंगे देखिए मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा बर्ट के कमेंट्स के अंदर ऑफ रोडिंग का जो उन्होंने बताया था बेसिकली ऑफ रोडिंग के लिए हमको रेयर व्हील ड्राइव डेफिनेटली चाहिए होता है और आजकल के माहौल में जब सारे ही गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव हैं तो दे शुड नॉट बी टेकन ऑफ रोडिंग बाकी यस जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि इसको अट्रैक्ट करेंगे कस्टमर्स डेफिनेटली करेंगे एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो और सिर्फ ये है कि जब जाके देखेंगे टच एंड फील करेंगे और साथ साथ में उनकी बैकग्राउंड गाड़ी की देखेंगे तो आई एम श्योर दे विल मेक अप अ डिसीजन साथ साथ में उनकी जो कॉस्ट की जो एक बहुत बढ़िया उन्होंने प्राइसिंग निकाली है दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शन फॉर कस्टमर्स टू कम इन नहीं बिल्कुल जी कॉस्ट के मामले में तो एक तरह से कहें पटक के रख दिया या धमाका कर दिया 6 lakh के अंदर अंदर आपका पहला मॉडल आ रहा है बेस मॉडल आ रहा है उसमें भी आपके पास ऐसे फीचर्स हैं खासतौर पर सिक्योरिटी फीचर्स एयरबैग्स वगैरह जो हर कोई चाहेगा कि उसकी गाड़ी में होना चाहिए तो वाकई प्राइस के मामले में बहुत बड़ी कंपटीशन दे दी है चलिए तो यहां ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे कि दूसरी गाड़ियों के मुकाबले कहां खड़ी हो रही है मार्केट को कितना पेनिट्रेट करेगी जो बड़ा सवाल सबके मन में होगा और जो टूटू साहब ने भी शुरू में इशारा किया कि टाटा जो थोड़ा सा जब आप टाटा की गाड़ी लेते हैं तो एक एक सवाल जरूर मन में आ जाता है सर्विस को लेकर तमाम चीजों को लेकर तो बैंक पारिक साहब से पूछेंगे वहां कितना इंप्रूवमेंट है वहां कितना भरोसा बढ़ेगा छोटे से ब्रेक के बाद तो आ गई है टाटा की नेक्सॉन और एक ऐसे बजट के साथ या ऐसे प्राइस टैग के साथ आई है कि ये अपने सेगमेंट में मचा देगी धमाल हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं पारिक साहब बहुत बढ़िया गाड़ी आप ले आए सब कुछ अच्छा है लेकिन एक जो इशू है जो टाटा को लेकर थोड़ी शिकायत रहती है वो है आफ्टर सेल सर्विस की और तमाम उससे जुड़ी हुई दूसरी चीजों की वहां पर आप कितना इंप्रूवमेंट करेंगे क्योंकि वहां पर नजर होगी लोगों की कि गाड़ी तो ले लूंगा टाटा की लेकिन बाद में क्या आई थिंक आपने कहा एक कार कंपनी के लिए आफ्टर सेल्स बड़ा मुद्दा होता है मेरा मानना है कि कार कंपनी के लिए आफ्टर सेल्स सबसे बड़ा मुद्दा होता है क्योंकि अनलाइक अदर प्रोडक्ट्स इन कार कैटेगरी एक रिलेशनशिप कस्टमर के साथ शुरू होती है कार परचेज के साथ और उसमें मेरा मानना है कि हम बहुत रैपिड प्रोग्रेस कर रहे हैं
एक जेडी पावर सर्वे होता है जो सारी कंपनियां फॉलो करती हैं इंडिया में, उसमें हमारा रैंक करीब 7वां होता था। लास्ट ईयर हमारा रैंक इंप्रूव होकर हमारा स्कोर 2nd हाईएस्ट था इंडस्ट्री में। तो आई थिंक हमने काफ़ी रैपिड प्रोग्रेस की, और जो हमारी कोर वैल्यू हमने डिफाइन की है उसमें फर्स्ट वैल्यू है कस्टमर डिलाइट, कस्टमर ऑब्सेशन। चलिए आप यहाँ पे कह रहे हैं तो हम मानेंगे अभी कि आप उस चीज पे फोकस कर रहे हैं। टूटू धवन साहब, तो अब थोड़ा मुकाबले की बात कर ले। यहाँ पे जो दो गाड़ियां मुझे सबसे सीधे सीधे दिखती है वो है मारुति की विटारा ब्रेजा और दूसरी है फोर्ड इको स्पोर्ट्स। कितना टफ कॉम्पिटिशन दे पाएगी इन दोनों गाड़ियों को? देखिए, टफ कॉम्पिटिशन तो जब सड़क के ऊपर आएगी और चलने लगेगी तभी हम बता सकेंगे। अब जब हेक्सा लेके आए थे टाटा मोटर्स तो हम लोगों ने बहुत उम्मीद रखी थी कि एवरी मे बी 10th व्हीकल ऑन द रोड फ्रॉम द एसयूवी सेगमेंट शायद हमको नज़र आएगी टाटा की हेक्सा, बट अनफॉर्चुनेटली हमको कुछ नज़र नहीं आई ऐसी। और यस, द प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और उसके अंदर जो फीचर लेके आए थे वो भी दे आर आउटस्टैंडिंग, जो और किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं दे रहे। ऐसे ही अब नेक्सन के अंदर भी हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि सारे फीचर्स ऐसे ही हैं जो विच आर गोइंग टू बी प्लस प्लस विद कंपटीशन। बट उसका जो इफेक्ट है वो जब पता लगेगा, जब इनकी सेल्स के अंदर कुछ पता लगी, और वो आने वाले दिनों के अंदर ही हम बता सकते हैं। डेफिनेटली हम, एज आई सेड अर्लियर, आई कांट से एनीथिंग नेगेटिव एज फार एज द प्रोडक्ट इज कंसर्न, बट हाउ मच इट इज गोइंग टू सेल इज ऑल डिपेंड्स ऑन द रेपुटेशन ऑफ टाटा मोटर्स। चलिए, तो कॉम्पिटिशन तगड़ा है। हम लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब बर्टन की राय इस पर बाकी है कि जब आपको गाड़ी खरीदनी होगी तो फिर आप इको स्पोर्ट्स ले लेंगे, ब्रेजा ले लेंगे, या जाएंगे नेक्सन के साथ। तो ये बड़ा डिसीजन इस छोटे से ब्रेक के बाद। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही है टाटा की नेक्सन की, जहां पर एक ऐसे कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट पे गाड़ी को लेकर आया गया है कंपनी की तरफ से कि ये इस सेगमेंट में धूम मचा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या इस गाड़ी को लेना चाहिए। हमने ब्रेक से पहले टूटू साहब की राय ली थी, बटन से भी पूछते हैं। सर, अब मैं एज अ ग्राहक ही आपसे पूछूं कि मुझे अब इसी सेगमेंट की गाड़ी लेनी है, कीमत तो बड़ी अच्छी है लेकिन मेरे पास सामने ब्रेजा भी है, इको स्पोर्ट्स भी है, KUV100 भी मैं सोच सकता हूँ, तो कौन सी गाड़ी लूँ? वेल, आई वुड से फिलहाल फर्स्ट चॉइस शायद फिर भी ब्रेजा होगी। हमने डायरेक्टली इसको कंपेयर नहीं किया फिलहाल ब्रेजा और नेक्सॉन के बीच में, बट जितनी भी ओपिनियंस और हमने जितनी भी ओपिनियन फॉर्म की अभी तक उससे तो ब्रेजा स्टैंड्स आउट हेड एंड शोल्डर्स ओवर एवरीथिंग एल्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। और वेल, ये दिखता भी है मार्केट में फिलहाल, ब्रेजा की जो वेटिंग भी है, 6 महीने की वेटिंग है, 7 महीने की वेटिंग है, तो कस्टमर कॉन्फिडेंस भी है उस प्रोडक्ट में, एंड इट्स वेरी अपेरेंट टू सी वाई। सवाल उठता है कि टाटा मोटर्स का जो नेक्सॉन है उसके साथ आप क्या करोगे, और फिर यू नो वुड यू एक्चुअली गो एंड बाय? जी जी, ये बड़ा सवाल, सब कुछ अच्छा है लेकिन खरीदेंगे क्या? आई थिंक इसकी चैलेंज जो है टाटा मोटर्स को प्रॉब्ली हैव एड्रेस्ड इन अ वे वेयर एंट्री लेवल की जो प्रोडक्ट है इसमें जो 5 लाख 5.85 लाख के प्राइस पे जो ऑफरिंग होता है उसमें थोड़े और फीचर्स दिए हो जाते थे, तो इट वुड हैव प्रॉब्ली मेड इट अ लिटिल मोर अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन फॉर समवन वांटिंग टू अपग्रेड फ्रॉम एक हैचबैक से जाके एसयूवी खरीदना है, उसको थोड़ा सा और प्रीमियमनेस चाहिए। फिलहाल उसको अगर वो प्रीमियम चाहिए, काफी कस्टमरों को आजकल फीचर्स तो सब कुछ चाहिए, हर सेफ्टी फीचर चाहिए उसके अंदर, हर कम्फर्ट कन्वीनियंस के फीचर्स चाहिए, लेकिन वो जो मूवमेंट होती है वो छोटी गाड़ी से फर्स्ट टाइम टू एन एसयूवी और मोर प्रीमियम सेगमेंट की, तो वो उसके टॉप मॉडल पे नहीं, टॉप मॉडल पे जा नहीं सकता कि वो 9.5-10 लाख के आसपास है, तो शायद वो नीचे वाली सेगमेंट में वहां पर थोड़े से और फीचर्स दे दे, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना दे, कैच कर सकते थे। बट इफ यू लुकिंग फॉर समथिंग दैट्स प्रीमियम, यू लुकिंग फॉर समथिंग दैट्स कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग, यू प्रोबेबली लुक फॉर टू अ मारुति रादर देन अ टाटा मोटर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। राइट, चलिए, तो नेक्सॉन देखिए आ गया है, सारी बातें भी हमने कर ली, सब कुछ बहुत अच्छा, लुक फील गाड़ी एवरीथिंग इज गुड, लेकिन जैसा टूटू साहब ने भी कहा कि जब सड़क पर आएगी तब देखेंगे, क्योंकि हमने एग्जा को भी बड़ी उम्मीद मान दी थी लेकिन उतनी दिख नहीं रही। बटन साहब कह रहे हैं कि शायद छोटे वेरियंट में चीजें ज्यादा होती तो और अच्छा होता, लेकिन जब आप 9 लाख खर्च करेंगे तो ब्रेजा पे क्यों ना चले जाएं, क्योंकि अभी भी उससे बेहतर है, लेकिन फिर भी आज से शोरूम में खड़ी मिलेगी, आप टेस्ट ड्राइव कीजिए, चला के देखिए, खुद फील कीजिए, और अगर आप उस प्राइस पॉइंट पे आपको गाड़ी पसंद आती है तो फिर वो गाड़ी आपकी है। चलिए, तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे, आप तीनों का ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, नमस्कार।